Good evening, students. I hope all of you are good. Today, CBC has published sample question paper for term 2 board exams for class 10 and 12. So, in this video, we will discuss how to download these question papers and what is the pattern of mathematics basic and mathematics standard of class 10 question paper. So, mathematics basic or standard ka question paper ka pattern same rahega. मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस का लेवल का डिफरेंस होगा, पैटर्न आपका सेम रहेगा और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी गिवन है, तो आप ये क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके अच्छे से देख लेंगे। तो अब हम इनका पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स 40 एज वी ऑलरेडी नो। अब जनरल इंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे टर्म टू के SQP में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। There are only 14 questions in the question paper, okay? और 14 questions कितने कितने marks के हैं? Starting के 6 questions हैं 2-2 marks, आप यहाँ देख सकते हो। Question paper consists of 14 questions divided into 3 sections A, B and C. Section A comprises of 6 questions of 2 marks each. और उसमें आपको internal choice मिलेगी 2 questions में, ठीक है? Then section B, ये 4 questions रहेंगे इसमें और 3 marks का हर एक question रहेगा। इसमें आपको 1 question में इंटरनल चॉइस मिलेगी और सेक्शन सी में 4 question रहेंगे, 4-4 नंबर के, ओके, 4 marks ईच एंड इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको 1 question में। इसके अलावा जो सेक्शन सी है उसमें 2 case study questions भी रहेंगे, ठीक है? तो केस स्टडी क्वेश्चंस आपके टर्म 2 में भी हैं और टर्म 1 में भी थे। सो आप देख सकते हैं CBSE इज ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन केस स्टडी क्वेश्चंस। जो CCT टाइप क्वेश्चंस है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आपका रहेगा पैटर्न। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और इसकी मार्किंग स्कीम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज मार्किंग स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक, मतलब इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आंसर गिवन है। सिमिलरली आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब की बार का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता चल गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, 2 मार्क्स का मिनिमम यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब ये तो है नहीं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले पूछेंगे, है ना? तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2-3 लाइनों में सॉल्यूशन हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में, इन विच वी डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।